यार शोर शुरू करना है, चाहे इधर बच्ची को भी खुश और एक खुशरा मुझे कैसा लग रहा है यार, बहुत मजे की जगह है। मौसम जो है अखीर है, गर्मी सख्त गर्मी थी वहाँ, और यहाँ आके लग रहा है कि हम सर्दियों में आ गए। हमारी है टीम, वो पीछे आ रही है, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम इतने में ऊपर पहुंचेंगे रद्दी का चीज देंगे। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा जी गाइस, तो सीन कुछ ऐसा है, अभी हम निकलने लगे रद्दी गली की तरफ। अभी हम नीलम पॉइंट पे हैं, नीलम दरिया पीछे से गुजर रहे हैं। तो ये जीप हमने, ये दो जीप बुक करा ली है, हम जा रहे हैं रद्दी गली। और 2.5 से 3 घंटे कह रहे हैं कि लगेंगे रद्दी गली जाने में, और बहुत मज़ा आ रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। ये सारे ये क्या कर रहे हैं, हेलो भाई, हेलो भाई, वीडियो में हेलो भाई, ये क्या कर रहे हो? और ये लोग कुछ अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं सारे। अच्छा जी, तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है, जैकेट ऊपर, सर्दी होगी उन्होंने बताया, जैकेट कह रहे हैं ऊपर, ऊपर कह रहे हैं जी बर्फबारी है हमारे पास है, ऊपर बर्फ के लिए भी हमारा टेंट वगैरह हमारे साथ है, और बहुत इंजॉय होगा इंशाल्लाह जी, बहुत सीन जैसा होगा। रात स्टे है उधर, उधर बारबेक्यू वगैरह का सीन है, इंशाल्लाह सीन बहुत आना है। यार बहुत मजा आ रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे, पूरा वीडियो देंगे आपको, एक एक चीज दिखाएंगे इंशाल्लाह, कोई चीज मिस नहीं करेंगे इंशाल्लाह, बहुत एंजॉय होने वाला है। ओके जी, मिलते हैं, सर्दी बहुत है, शेयर लाजमी करना है। देखिए इतने अच्छे व्यू तो आपके लिए लेके आ रहे हैं, सीन इतने फिट है, तो आपने शेयर लाजमी करना है। ओके जी, जो नहीं शेयर करेगा चलो कोई नहीं, हम फिर भी सीन दिखाते रहेंगे आपको, तो नहीं होता है। अच्छा जी, तो हम निकल चुके हैं रद्दी गली के लिए। ये नजम भाई हमारे साथ हैं, नीचे पीछे हमारे जवान बैठे हैं, भाई 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 से वो सामने उस साइड में यार शोर शुरू करना है, चाहे इधर बच्ची को भी खुश। और जी थोड़ा शीशे भी पीछे खो, पीछे वाले दो सीन है जी, अभी हम कैप्चर करते हैं सीन्स को, आपको दिखाएंगे और एंजॉय करें, शेयर लाजमी करना है आप। चार महीने गाड़ियाँ चलती हैं और 4-6-8 महीने बंद रहती हैं। तो यहाँ आए, यहाँ की वो नेचुरल ब्यूटी है,
बंदे कम आते हैं इस वजह से ये थोड़ा सा। तो ये देखें जी सारे ये बर्फ का घाट है, ग्लेशियर है ये बर्फ का, पूरा ग्लेशियर ऊपर से उतर है और तोड़ गया वो नीचे ना ट्रैक, और ये ना सारा वो ग्लेशियर उतरा है टाइम को बर्फ के नीचे से। 4 महीने ये वाले रोड ओपन रहता है जी रत्ती गली का, और 8 महीने बंद रहता है साल में। बाकी हम आगे चल के आपको बताते हैं। अच्छा जी भाई, अभी जीप जो है वो इधर तक रुकेगी, आगे से तकरीबन रास्ता है 40-45 मिनट का रास्ता है पैदल हाइकिंग के। 8-7 किलोमीटर है जी, 7 किलोमीटर है जो चल के जाना है, 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। अभी तक यहाँ हमने आपको रास्ते में जी बर्फ शर्फ के पहाड़ हैं या ग्लेशियर्स मतलब फुल बर्फ के जो हम आपको दिखाया है किसी वीडियो में आप देख चुके हैं, तो बाकी हम आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे हम आपको सीन दिखाते जाएंगे कि क्या क्या सीन है, वहाँ पहुँच के हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा मौसम, किधर पहुँचे मौसम भी ठंडी जगह हवा चल रही है जी, सारे लोग पहुंच गए। अभी आप अपने सामान निकाल रहे हैं जीप से क्योंकि आगे हमने हाइक करनी है, एक गाड़ी पीछे है, गाड़ी पीछे है, लेकिन हम उम्मीद है कि हम उनसे पहले बिल्कुल चल पड़ेंगे। अच्छा जी सीन ये हो गया जी कि अभी 10-8 किलोमीटर जो है वो पैदल स्टार्ट हो गया, अभी अभी स्टार्ट हुआ है, ये चलना स्टार्ट किया है और 8 किलोमीटर है, तकरीबन लग जाएंगे हमें 3 से 4 घंटे लग जाएंगे उधर जाके। फिर कुकिंग वगैरह करनी है, सारा सामान वगैरह जो है वो घोड़ों पे रखवा दिया है, खुद पैदल चलने का फैसला हुआ है और काफ़ी लंबा सफ़र है, साथ रहना देखना एंजॉय करना, बहुत आला सीन है। मोइज़ भाई चल लोगे पैदल? मोइज़ भाई हम हाइकिंग पे चढ़ी जा रहे हैं, बल्कि पहाड़ी पे चढ़ी जा रहे हैं, हाइकिंग किए जा रहे हैं और बहुत मुश्किल हाइकिंग है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये आप सीन चेक करें, वाह माशाल्लाह बर्फ़ है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है, क्या ही नज़ारा है। और मैं मोइज़ भाई वकार भाई यही हैं, ये देखें मसला ये है कि अभी हमें मज़ीद जो है ना 3 से 4 घंटे लगेंगे मुकम्मल रत्ती गली तक पहुँचने में। बिल्कुल अभी भी मैंने जवाब दिया हुआ है मोइज़ भाई, होने की वजह से कहीं आगे पीछे ना निकलने की वजह से 24 घंटे घर में बैठे रहने की वजह से जो है राम फोर हो चुके थे हम, और ये मोइज़ भाई के लिए घोड़ा हमने बुक करा लिए, और ये मसद भाई भाई हैं जो बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं हमारी भाई, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बहुत अच्छा है, आप पहुँचे ऊपर तक, बहुत शुक्रिया करेंगे भाई, हमारी बहुत मदद कर रहे हैं भाई, इधर ही के हैं तो हमें रास्ते रास्ते में जान जा कुछ सीन होता है वो बताते जा रहे हैं। तो फिर ये सीन ये देखें जी, ये देखें सारा ग्लेशियर है, ये हाइक करनी है हमने, ये देखें ये देखें वो पुकार पर मजदे रुके हैं, हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं और आपको बताते जाते हैं कि क्या होगा आगे, हमारे लिए दुआ करिएगा। और मेरे साथ ये वकार भाई और जी मोइज़ भाई हैं साथ, ठंडी यख हवा चल रही है जी, बहुत ही ज़्यादा ठंडी कि ऐसी हवा के कहते हैं कि अगर रुके तो सर्दी लग पड़ती है, बहुत सख्त। फिर हम अभी हाफ में पहुंच गए, आगे जा रहे हैं तो फिर हम साथ साथ आपको बताते हैं। नजम आगे कुदर के ओके मस्ती का रहे हैं। अच्छा जी सीन कुछ ऐसा है, हम आप बेस कैंप से तकरीबन आधा घंटे की दूरी में हैं। अभी आप कहेंगे ये बलियाँ मार रहे हैं, लेकिन हमारी हालत ही ऐसी हुई हुई है। और तो कार भी गए कुछ, अभी ये जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे इन्होंने थोड़ा हमें हौसला दिलाया और उन्होंने कहा कि यार जो अगली पार्टी है ना 18 बंदों वाली, हाँ उनमें से 2 आप हैं, तो वो 10 से 15 मिनट हुए हैं यहाँ से गुजरी है, जो हमारा ऑफिस ऑफिस के साथ और लोग हैं ना वो सारे हमारे साथ ही हैं तकरीबन। हम हिम्मत आ रहे हुए थे कि हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन नहीं हमने जो यही समझा वो पहुँच गए होंगे, वो झील पर पहुँच गए होंगे, हम सिर्फ बेस कैंप तक जाएंगे, लेकिन काफ़ी बेहतर निज़ाम। बाकी अब आपको व्यू दिखाते हैं थोड़ा सा और फिर निकलते हैं जी। व्यू जी माशाल्लाह आप लोग तो
वीडियोस में देख रहे हैं, लेकिन हम रियल में देख के ना तो क्या ही नज़ारा है ये हर तरफ तकरीबन बर्फ़ ही बर्फ। और सबसे जो मेन मसला हाइकिंग का वो ये चीज़ है, ये ग्लेशियर। अब इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा स्लिप हो और ये थोड़ा सा अगर वहाँ से स्लिप हो ना और स्लाइडिंग मारो ड्रिंग स्लाइड, वो स्लाइड फिर दरिया में सीधा नीचे। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, अभी हम ग्लेशियर्स पे जा रहे हैं, ठीक है। ये फुल ग्लेशियर्स है, ये देखें फुल नीचे तक, जरा सी मिस्टेक और वो गैप उतर नीचे तो। और इसलिए मैं आप कहेंगे कैमरे की तरफ देखो, मैं नहीं देख पा रहा, क्यों वकार भाई? क्योंकि कैमरे की तरफ देखो तो उधर नीचे नहीं देख पाता बंदा। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं टॉप पे, बड़े वाला बहुत अच्छा था बंदा था, टॉप पे पहुंच गए हैं जी। और बहुत ही मज़ेदार व्यू है, बहुत सेम टू सेम वही व्यू है जो बाबू का नाम था मोइज भाई, तो आए हैं घोड़े पे आधा रास्ता पैदल, ये तो आधा रास्ता चलो पैदल, और आधा रास्ता ही मेरे लिए पूरे रास्ते के बराबर है भाई। जो पैदल चलने का मज़ा था ना हाइकिंग का, वो घोड़े पे मज़ा नहीं, लेकिन जो घोड़े में जो मज़ा था ना वो पैदल चलने में, क्योंकि अब पैदल चल रहा था फिर भी कोई हौसला होता है बलबूते पर। म्यूजिक अच्छा जी, तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम पहुंच गए हैं बेस कैंप मेरे तो, और हम अभी डायरेक्ट टू डायरेक्ट पार्क कैंप के अंदर घुसे हैं, क्योंकि बहुत सख्त ठंड है, बहुत सख्त, इधर भी बहुत सख्त आवाज़ चल रही है और खांसी भी शुरू हो रही है। बाकी ये सीन है कि बाकी साहब तो चलेंगे आगे झील पे, ठीक है, और मैं वकार भाई और नजम भाई, सॉरी मोइस भाई, मोइस भाई जी, ठीक है, ये यार हमने रेस्ट मारा, हमने कहा कि यार कौन जाए। और ये वकार से किधर गए, वकार भाई, वकार भाई किधर गए, किधर आपकी शक्ल, ओ वकार भाई चांद निकल आया, कुछ भी कुछ भी। अच्छा जी, अभी हम पहुंच गए हैं ये रही झील, सारी की सारी जो है ना बर्फ़ है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना पानी का अभी पिघली है। अगर हम आते तकरीबन 15-20 दिन बाद तो ये सारी पिघल चुकी होती। ये भाई चेक करें, चप्पल में इधर आ गए, चेक करें, स्वैग चेक कर जाता है। तो ओके, फिर आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं हम फिर आपको कल नेक्स्ट व्लॉग पे, या फिर हम रात को भी सीन करेंगे, वो व्लॉग अलग होगा, लेकिन आज का जो व्लॉग है रत्ती गली तक वो हो गया कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।